अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ड्रामा सीरियल नूरजहाँ के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हुनैन और सफीना जिस टाइम घर आते हैं तो नूरजहाँ उन्हें देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। हुनैन जैसे ही बात करने लगता है तो नूरजहाँ कहती है कि इस वक्त मेरे इर्द गिर्द मेरे ख्वाबों की लाशें पड़ी हैं और मुझे उन्हें दफनाना है, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हुनैन सफीना से कहता है कि पहले सफीर ने उन्हें धोखा दिया और अब तुम्हारी वजह से वो मुझसे बात नहीं कर रही है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सफीर सफीना को रूम में छोड़कर चला जाता है और सफीना जोर जोर से रोने लग जाती है, हालांकि उसकी इन सब में गलती भी नहीं होती। इसके बाद सुम्बुल जब अपने घर जाने की बात करती है तो नूरजहाँ उसे साफ मना कर देती है कि कहीं नहीं जाना, अपने रूम में चली जाओ। जब नूरजहाँ बैठी होती है तो मुराद उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं नूर से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन नूरजहाँ तो खुद यही चाहती है और वो उसे रजामंदी दे देती है। इसके बाद जब वो नूर को डिनर पर लेकर जाता है तो उसे कहता है कि मैंने नूर मामा से बात कर ली है, वो राजी है हमारी शादी के लिए, तुम बताओ तुमने चाचा से बात। तो नूर कहती है कि मैं अपने डैड को कह दूंगी कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। इतने में उसके वालिद वहां पर आ जाते हैं और वो उसे वहां से ले जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब सब लोग खाने पर वेट कर रहे होते हैं तो नूरजहाँ खाने पर नहीं आती और सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन हुनैन नूरजहाँ के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है।